ये मीरपुर खास से यहाँ से आ रहा है, इधर खोखरा पार्क की तरफ जाता है, जो कि पाकिस्तान की जो यहाँ से बाउंड्री खत्म हो जाती है और इंडिया में जब जहाँ से दाखिल होती है ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन वगैरह आती है अभी? हाँ, ट्रेन आती है, सुबह आती है, शाम को भी आती है। वो इंडिया वाली बंद हो गई है? इधर 200-300 बंदे होते हैं, लेकिन स्टेशन पे वीरान हुई पड़ी है, टिकट बार स्टोर होल्ड में लेना पड़ता है हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली, देसी ट्रैवलर पर एक बार फिर से बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। मैं एक थर के इलाके के अंदर मौजूद हूं। थर के अंदर भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। ये जो है न्यू छोर का इलाका है, ये काफ़ी मशहूर इलाका है थर का, ये छोर, और ये न्यू छोर का एक रेलवे स्टेशन है। मैंने कहा चले आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि रेलवे स्टेशन कैसे होते हैं। तो आगे चलते हैं, ये है न्यू छोर का, ये आपने देखा लगी हुई है, तख्ती लगी है, और ये रेलवे ट्रैक है जो कि आ रहा है मीरपुर खास से। ये देखें, ये मीरपुर खास से यहाँ से आ रहा है और इधर खोखरा पार्क की तरफ जाता है, जो कि पाकिस्तान की जो यहाँ से बाउंड्री ख़त्म हो जाती है और इंडिया में जब जहाँ से दाखिल होती है ट्रेन। तो मैंने कहा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसका आप लोगों को एक टूर देना चाहिए छोटा सा। तो ये यहाँ पर मैं हालांकि पटरी पर चल रहा हूँ, हालाँकि मैं खुद मना करता हूँ नहीं चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ आती नहीं है, तो इसलिए मैंने जो ना मुनासिब समझ लिया कि चलो चल लेते हैं, लेकिन मैं हट गया हूँ ट्रैक से। तो ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे देखते हैं कैसा रेलवे स्टेशन है। खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन बना हुआ है और इसका नाम है न्यू छोर। यहाँ पे ट्रेन रुकती है, कौन आती है नहीं आती ये पूछते हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, वो बहुत पुराना दौर का बना हुआ लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों के दौर का बना है। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है? सब खैर अलहमदिल्ला। ये न्यू छोर रेलवे स्टेशन? नहीं, न्यू छोर रेलवे स्टेशन। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन वगैरह आती है अभी? हाँ, ट्रेन आती है, सुबह आती है, शाम को भी आती है। सुबह भी आती है, शाम को भी? कौन सी ट्रेन आती है? मारवी एक्सप्रेस। मारवी एक्सप्रेस, और दूसरी जो चलती है वो बंद हो गई है, वो इंडिया वाली बंद हो गई है? वो बंद हो गई। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से लोग जाते हैं बैठ के? किधर जाते हैं ज्यादातर? ज्यादातर खोखरा पार से भी आते हैं लोग, यहाँ न्यू छोर से, हर स्टेशन पे बंदे होते हैं। अच्छा, हर स्टेशन पे होता है? इधर 200-300 बंदे होते हैं, लेकिन स्टेशन पे वीरान हुई पड़ी है, टिकट बार छोर होल्ड में लेना पड़ता है हमें। अच्छा, वहाँ से लेके आना पड़ता है टिकट? टिकट वहाँ पे स्टॉप होता है, वहाँ से बंदे लेते हैं। अच्छा, टिकट वहाँ से लेके बैठते इधर से? जी हाँ, बैठते इधर से, टिकट वहाँ से लेते हैं, क्योंकि पहले यहाँ से लेते थे टिकट। अच्छा, अभी तो वीरान हो गई टिकट, यहाँ पे कोई नहीं अभी, कोई भी नहीं रेलवे इंतजामिया का, कोई भी नहीं बंदा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बंदा नहीं है, तो टिकट वहाँ से लेके आना पड़ता है? वहाँ से लेके आगे जैसे मीरपुर खास किसी को जाना, डोरना जाना, जैसे भी जाना किसी को, वो टिकट वहाँ से लेते हैं। तो रेल यहाँ रुकती है? ट्रेन ट्रेन रुकती है, ट्रेन रुकती है। क्यों, सुबह किस टाइम आती है? 7 बजे। 7 बजे आती है, कहाँ से आती है? खोखरा पार से आती है और जाती है मीरपुर खास, जाती है हैदराबाद तक जाती है। मारवी एक्सप्रेस आ रहे हैं मारवी, और जो खोखरा पार जाती है वो कितने बजे आती है? वो शाम को आती है, 8 बजे आती है, 9 बजे आती है न्यू छोर। अच्छा, शाम को आती है वो? जी, न्यू छोर शाम को पहुँचती है, पहुँचती है और फिर खोखरा पार जाती है। अच्छा, वहाँ पे खोखरा पार करती है। अच्छा, ऐसे खोखरा। आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार नाम मेरा। अच्छा कमलेश भाई, ये बताएं, यहाँ पे मैंने देखा है कि मंदिर काफी नजर आए मुझे, जगह जगह बने, तो यहाँ पे हमारी हिंदू कम्युनिटी ज्यादा आबाद है? ज्यादा। कौन सी जबान बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं। अच्छा, मारवाड़ी बोलते हैं। तो कभी जाना आना हुआ है अपना इंडिया साइड में? नहीं, रिश्तेदार वगैरह नहीं कोई? रिश्तेदार तो है, लेकिन जाना नहीं हुआ कभी। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे कितने लोग होंगे अपने, कितनी आबादी होगी हिंदू होगी? हिंदू को 5-6 हजार हो जाएगी, बस इक्वल है, मुस्लिम भी इक्वल है। अच्छा, सारे मिक्स हैं, सारे मिक्स। तो मंदिर वगैरह बने, बड़ा मंदिर है इधर कोई? हाँ, मंदिर न्यू छोर में, न्यू छोर में पुराना ओल्ड है, ओल्ड मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके खास त्यौहार कौन से होते हैं? होली और दिवाली होता है। होली दिवाली मनाते हैं यहाँ मजे से, जबरदस्त मनाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका कमलेश भाई। ये देखें जी, ये ऑफिस बता रहे हैं, ये था, अब बंद हो गया है। यहाँ से टिकट मिला करती थी इस विंडो से, और ये लेकिन बड़ा पुराना सा जो रेलवे स्टेशन है, ये देखें कितना ज़बरदस्त दरख्त लगा है, और ये गर्मियों के अंदर जो है ना साया देता होगा, बड़ा अच्छा लगता होगा। और ये साथ ही इसके वेटिंग एरिया है सारा, ये देखें, लेकिन अभी तो टूट फूट का शिकार हो गया है। यहाँ पे लोग बैठा करते होंगे या अभी भी बैठते होंगे, जाहिर है यहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह लिखी थी लेकिन वो मिट गई हैं। अभी तो ये सूरत हाल है इस रेलवे स्टेशन की। ये टिकट घर लिखा है, लेकिन बता रहे हैं कि अब ओल्ड छोर से जाके लेना पड़ता है टिकट, लेकिन ट्रेन यहाँ रुकती ज़रूर है। ये देखें, ये खिड़की है इसकी, और यहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कहीं खुश लगा भी आओ अमन। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन देखी आपने आते हुए? बैठते हैं ट्रेन में सफ़र करते हैं। आप कहाँ से? अच्छा, इधर ही रहते हैं आप भी? इधर ही रहते हैं? उर्दू ना हिंदी? कड़ी जबान तुम गलाइंदो? मारवाड़ी बोली? थाटी बोली? बोल के दिखाए ना।
की बोले से मारवाड़ी गाना सुना दे कोई गाना नहीं गाना नहीं असि जलाल छोड़ा जाए मारे मारे अच्छा भाई क्या नाम है आपका खैरियत से अब्दुल रहमान भाई आप भी मारवाड़ी हैं जी सर तो अच्छा यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सारे मिक्स साथ रहते हैं एक साथ अच्छा ज्यादा अक्सर इधर तो माशाल्लाह मुस्लिम की है अच्छा 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 लेकिन हिंदू भी बहुत है सब साथ मिलके रहते हैं अभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता नहीं, नहीं, कोई कोई मसला मसला अभी कमलेश भाई मिले मुझे वहाँ पे कमलेश है ना अभी रहमान भाई मिल गए अच्छा लगता है इस तरीके से अच्छा यहाँ से खोखराबाद कितना आगे 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर ये रेलवे स्टेशन कितना पुराना है ये तो ज्यादा पुराना है तकरीबन 50 साल का है 50 साल पुराना है अभी इसकी हालत ऐसी हो गई है कोई देखता नहीं है इसको बस है रेलवे का इधारा ऐसा है अगर देखे तो बन जाती है मिनटों में नहीं देखे तो नहीं बनती नहीं बनती है अच्छा अच्छा तो आप शहर में सामान वामान मिल जाता सारा यहाँ से या शहर जाना पड़ता है नहीं शहर तो है इधर ही गांव वाला शहर सब कुछ मिल जाता है उधर मिल जाता है सब चीजें अच्छा अस्पताल वगैरह इधर है अस्पताल भी है बच्चों के स्कूल वगैरह स्कूल भी है कॉलेज तो नहीं होगा इधर कॉलेज है इधर चोर में स्कूल है स्कूल है हाई स्कूल है कॉलेज के लिए जाना पड़ता होगा कॉलेज के लिए मीरपुर जाना पड़ता है या उमरकोट उमरकोट जाना पड़ता है उमरकोट जाना पड़ता है चले चले बहुत शुक्रिया आपका रहमान भाई थैंक यू सो मच तो भाई ये रहमान भाई थे और ये हमारे भाई लोग बैठे इधर आप लोग बस का इंतजार कर रहे हैं क्या नहीं अब हम तो इधर रहने वाले अच्छा नहीं वो सामान रखा ना मैंने कहा शायद कहीं जाना है वो तो सामान किसी और ने रखा है अच्छा 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 आपका जाने वाला भी इधर बैठते हैं ना ये मुसाफिर खाना है बैठते भी यहाँ के लोग शाम में बैठ जाते हैं शाम को ऐसे भी बैठते हैं लेकिन कोई जाने वाला होता है वो भी बैठता है अभी ये तो हालत है देखता है बारिश नहीं बनना चाहिए लोगों के लिए यहाँ पे सहूलत होनी चाहिए सहूलत तो नहीं है ये बिल्कुल टूटा फूटा हुआ है चले चले बहुत शुक्रिया रहमान भाई तो भाई आपने रहमान भाई गुफ्तगू सुनी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब साथ रहते हैं और रेलवे स्टेशन ये काफ़ी पुराना है ये तो 50 साल कह रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का होगा शायद ये उसकी हालत है बाकी तो जो कोई रेलवे के भाई हैं वो बता सकते हैं तो ये था रेलवे स्टेशन का छोटा सा टूर मैंने कहा चले आपको दिखाऊँ यहाँ से लोग आते होंगे सफ़र करते होंगे तो आगे की तरफ चलते हैं ये रेलवे ट्रैक है और इधर ही हम ये पूरा सहरा है सारा ना क्योंकि बारिशें हुई हैं तो सारी जो रेत है ना वो बैठ चुकी है और ये देखें अब यहाँ पे ना मिट्टी सारी बैठी हुई है और हर तरफ सब्ज़ा हो गया है क्योंकि बारिश के जो मौसम में ना यहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है तो जब भी आना हो तो आप ऐसे ही मौसम में आएँ कोशिश करें बारिशों का मौसम हो अगस्त के अंदर बारिशें होती हैं यहाँ पे और मैं भी अगस्त के अंदर मौसम में ही आया हूँ तो उम्मीद है ये वीडियो छोटी सी आपको बहुत पसंद आई होगी चले बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट से अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें अब तक के लिए इतना ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़